नमस्ते, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। जितनी भी फीमेल्स हैं, सुहागन महिलाएं हैं, उन सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मैं थोड़ा सा व्लॉग लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद से लेकर मैं दिन भर वही अपनी पूजा पाठ, उसके बाद 2 बच्चे हैं उनको संभालना, दिन भर बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए थोड़ा सा व्लॉग लेट शुरू कर पाई। और थोड़ा सा जीवा का थोड़ा स्टमक में थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा सा उसको ना, ऐसा भी नहीं है कि उसका पेट खराब है, ऐसा भी नहीं है कि उसका उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब बीच की सिचुएशन में है वो। तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी मैं आज दिन भर बहुत ज़्यादा परेशान रही, लेकिन फाइनली अब मैंने अभी बाकी कामों से निपट कर मैंने कहा चलो भाई, अब मैं अपने व्यूवर्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, अपना व्लॉग अपना रेडी करती हूँ। अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ। रोटियाँ क्या, पूरियाँ बनेंगी, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल व्रत होता है उस दिन पूरी जो है वो तो बनती ही बनती है, तो पूरी बनानी है। और साथ के साथ बच्चों को भी हैंडल कर रही हूँ, दोनों बच्चे दिन भर उनके पीछे लग के मेरी तो वाट लग गई, बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है, लेकिन व्रत है, अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बन गया है इंडिया में, तो एक्साइटमेंट है, तो थकान जो है वो इतनी लग नहीं रही है। बाकी आज सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, अभी इतना दर्द नहीं है, अभी थोड़ा मुझे रिलीफ है, वरना सुबह मैं जो उठी हूँ 4:30 बजे तब से मेरे सर में दर्द ही था, पूरे दिन दर्द रहा, अब जाके थोड़ा रिलीफ हुआ है। तो ये रहा मेरा करवा चौथ का लुक। मैंने लेमन येलो कलर की साड़ी पहनी थी, इसका कलर बहुत ही सुंदर है, बहुत टाइम से मैं पहनने की सोच रही थी, फाइनली ये मौका आ गया और ये रहा मेरा लुक। ये चांद निकलने से पहले मैं रेडी हुई थी, तो मैं तो चांद का इंतज़ार बहुत देर से था। मार्केट साइड 8:15 बजे चांद निकल गया था, क्योंकि शंख बज गया था, मुझे सुनाई दिया, मैं फटाफट से, मैं अपनी बड़ी वाली डॉटर को सुला दी थी, फटाफट से बाहर निकल गया इसको सुला के, तो चांद निकल गया था, शंख बज रहे थे। फिर मैंने यहाँ भी देखा, क्योंकि यहाँ हम बैक साइड हमारे घर के पीछे की तरफ दिखता है और ये पीछे वाली पहाड़ी लगती है, इसकी वजह से यहाँ पे चांद जो है वो 10:30 बजे निकला है, और हमेशा यही होता है 10:30 बजे बाद ही निकलता है, और मुझे पूरा आज भी श्योरिटी थी कि 10:30 के बाद ही निकलेगा, और यही हुआ, एग्जैक्ट 10:30 बजे निकला है। लेकिन फाइनली चांद की पूजा हो गई है, अपने अपने चांद की पूजा हमने कर ली है, और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। कुछ वीडियोस मैं सुबह के टाइम भी बना रही थी, दिन के उजाले में, अच्छी लाइट्स में, और ये साड़ी मैंने पहली बार पहनी थी, तो उसको दिखाना तो बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड।